हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम लाइव। आज इस वीडियो में बात करने वाले आईबी एसीआईओ की। अभी जो वैकेंसीज आई हुई है 2020 की, जो 2000 पोस्ट के लिए है, उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लास्ट टाइम आपका 2017 में ये एग्ज़ाम हुआ था। अब ये 3 साल के बाद होने वाला है आईबी एसीआईओ एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो आज हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में पढ़ ही लिया होगा कि आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको टोटल, और आपको 25 25 25 25 करके सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस को। तो पहले भी क्वेश्चन का पैटर्न लगभग यही था, बस चेंजेस ये है कि पहले ये ऑफलाइन हुआ था, अब ये ऑनलाइन होने वाला है पहली बार। तो यहाँ पे यही चेंजेस रहने वाले हैं, आपका क्वेश्चन का पैटर्न वही रहने वाला है, बस आपको जो लेवल रहेगा वो चेंज हो सकता है, थोड़ा सा हाई हो सकता है, क्योंकि ये अब 3 साल के बाद हो रहा है। फिर लास्ट टाइम 2017 में हुआ था। तो वही डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं आपको थोड़ी देर के लिए पॉज करूँगा, देन यहाँ पर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा वीडियो, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताने लायक वैसा कुछ है नहीं जो मैं सॉल्व कर सकूं यहाँ पे, इसीलिए आपको यहाँ पे खुद से ही सॉल्व करना होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का बस यही पर्पस है, ताकि आपको क्वेश्चन के लेवल का अंदाज़ा हो जाए और आप यहाँ पे सॉल्व कर सके आसानी से। सो उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उस हिसाब से आप क्वेश्चन का आपको अंदाज़ा हो सके। सो स्टार्ट कर लेते हैं। मैथमेटिक्स से आपको 25 क्वेश्चन है। सो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रुकूँगा, देन आपको मूव फॉरवर्ड कर दूँगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट, आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे आराम से स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आप सॉल्व कर सकते हो पॉज करके भी। देन नेक्स्ट, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा देर के लिए इसलिए नहीं रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हाफ ही है, तो ये हाफ आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी वाला जो है वो नेक्स्ट आपको मैं अभी स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट,
देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट सो यहाँ से आपका 25 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का, तो इस बात का ध्यान देंगे। ये 2017 के करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस है, तो आपका यहाँ पे आपको चेंजेस करने मिलेंगे, तो इसका आप पढ़ सकते हैं कि आखिर आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मेनली ऐसे ही होता है, वो टॉपिक सेम होता है लगभग, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर थोड़ी देर में तुरंत ही स्क्रॉल कर दूंगा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट 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 then next 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 सो यहाँ आपका खत्म हो जाता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का सेक्शन। अभी स्टार्ट हो जाता है आपका रीजनिंग का सेक्शन, तो स्टार्ट कर लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से रीजनिंग आपका। सो नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट then next then next
देन नेक्स्ट 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 क्वेश्चन आपका देन नेक्स्ट 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 अब जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आपका 25 क्वेश्चन रीजनिंग ख़त्म हो जाता है और यहाँ से आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपका लास्ट सेक्शन है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इंग्लिश। सो फर्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट then next 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 then next
देन नेक्स्ट 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 टोटल आपके ये 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो यही आपका क्वेश्चंस का आपका लेवल, मतलब कि आपका जो पैटर्न है यही रहने वाला है। इसमें लेवल में आपको चेंजेस ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। सो इसी हिसाब से अपने तैयारी करके जाइएगा आपका जब भी एग्ज़ाम हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।